अभी किधर जा रहे हैं? पुराने जमाने के का विंटेज जो कार कलेक्शन है, ऐसी देखो घड़िया देखिए आप, वॉचेस, इसका पूरा मैप है। अब देखिए यहाँ का नज़ारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं जोधपुर, वो भी राजस्थान बस की रोडवेज बस से जाने वाले हैं। बहुत टाइम बाद ये सफ़र हमारा शुरू होगा। हमारे साथ में हमारे दो रेवस्सा और पप्सा के साथ में हम जाने वाले हैं जोधपुर। और मिलते हैं, देखिए स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड शमीरपुर से रवानगी, जाएंगे सीधा जोधपुर यहाँ से। अभी तो अभी हम कार में बैठने वाले हैं। नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं बिलेवर से, तो आप लोग प्यार बहुत देना, भाई को सपोर्ट करना। भाई थोड़ा हाथ जोड़ के बोल दो, सपोर्ट की गुंजाइश है। ऐसे करोगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपका। पानी बोतल लगा रही है ना वाला, पानी बोतल फिर जोधपुर। विकास जी भुजिया, चलो कोई बात नहीं, खाओ खाओ। तो कौन सी वाली? लोकन है दोस्तों, कौन सी वाली लेनी है चॉइस करो, एक बार तो मालूम पड़े कौन सी वाली जो लेना है, जो वो तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अभी गर्मी बहुत है तो गन्ने का जूस पी लेते अंकल, तीन गन्ने का जूस। अरे वैसा ला, जूस ले लो, जूस पी रही स्कूटी जी, हो जूस पियो। ठंडा ठंडा कूल कूल। उम्मीद भवन पैलेस, सॉरी उम्मीद, अरे वो एक ही बात है, पुराना है। चलते हैं कुछ जाओ चले। जस्ट तू मिल के बात देख सकते हो, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, बड़े बड़े स्टार्स की शादियाँ यहाँ पे होती है, बहुत ही लग्जरी पैलेस है ये। टिकट लेंगे वे, टिकट लेंगे, टिकट रखे हैं। हाँ जी, दोनों थोड़ा पास ही दबे, तीन दो। अरे मैंने नहीं दिया था, नहीं दिया था, थोड़ी बात कर रही थी यार। देखिए यहाँ पे टिकट का रेट है, इंडियन के लिए 60, फॉरेनर के लिए 200। मेरे को 500 लग रहा है। क्यों? आपने गाइड लिया तो गाइड के लिए
तो भी ठीक है, सस्ता टिकट है ना, मैं इसे रेट में फंसा लेता हूँ। ये हमारा टिकट है 3 जनों का। अब देखिए यहाँ का नज़ारा, लोग कहते हैं ना राजस्थान में कुछ नहीं है, तो ये देख लीजिए राजस्थान की झलकियाँ। ये तो कुछ रेगुलर फोटो है, इसकी भव्यता को देख के आपको अंदाजा लगेगा कि हमारे राजस्थान में क्या नहीं है। देखते और भी आगे जाके, कौन से पत्थर से बना हुआ है ये? जोधपुरी लाल पत्थर। चालू है इसका पूरा मैप है, और जो बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग का पूरा मैप है, आप देख सकते हो। इधर है ना, अपन यहाँ से एंटर हुए, अपन यहाँ से एंटर हुए और इधर हम जाएंगे भी नहीं। देख लीजिए कितना खूबसूरत है, और जो नज़ारे हैं दिल खुश करने वाले। बाकी जितने भी इतिहास में घटित घटनाएं उनके बारे में पूरा लिए, देखिए पहली नींव ये वाला पत्ता था, इसी तरह क्रेन से रखा गया था, हाथ से बनी हुई क्रेन था पूरी, मॉडिफाइड इंडियन ब्रांड। ये देखिए इसका और एक पेंसिल से बना हुआ मैप। 16 अक्टूबर 1925 मैन ऑफ वीकली, चलो अच्छा हिंदी, 26 जनवरी 1923 को इमामदार लमदार। ये देखिए कुछ इस तरह से बनी, देख लीजिए हमारे पुराने लोगों की जो मेहनत थी, देख लीजिए। ये देखिए हाथ से ऐसे पत्थर लेके जाते हैं, क्रेन का काम होता है, लेकिन पहले ज़माने में जो थे पत्थर हाथ से ऊपर लेके जाते थे। देख सकते हो ये काम एक साथ इतने लोगों ने काम किया था। ट्राईपोर्ड की व्यवस्था उसी टाइम भी थी, ये देखिए ट्राईपोर्ड पड़ा कैमरा रखने का, ये टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी थी। ये उनकी फैमिली है कुछ पुरानी ज़माने के दादा परदादा, तो ये सब ठीक है। ये देखिए, ये देखिए पहले के ठाट बाट अलग थे अंग्रेजों के शासन के टाइम में भी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरी डिस्प्ले की हुई है रूमों के अंदर, किस तरह के यहाँ रूम्स है, ये देखिए पहचान लीजिए इनको, इन्हें पहचानिए जरूर, ये इन्होंने हमारे पर राज किया था। तो अभी हम उमेद पैलेस के अंदर खड़े हैं, ये देखिए यहाँ की प्रतिष्ठा अंदर से, और खूबसूरत लोग भी नज़ारा, ये देखिए सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं एक अपने घर जाके देखने के लिए, याददाश्त के लिए। लेकिन हम भी तीनों कहाँ है, वहाँ पे देखो, अरे वहाँ पे क्या हो गया, ओ नो नो नो, ये देखिए फोटोग्राफ मोस्ट टैलेंटेड। ये होगी ऐसी, देखो घड़िया देखिए आप, वॉचेस देखिए, ये विदेश का एक मॉन्यूमेंट है बना पेरिस में। अच्छा ये पेरिस में है, सब विदेशी टाइप की ये घड़िया है, ये सब राजा महाराजा को गिफ्ट किया हुआ अंग्रेजों ने। ये देखिए आप घड़ियों का जो कलेक्शन है आपने देखे नहीं होंगे, एक एक घड़ी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की घड़ियाँ हैं, ये देखिए सब पुराने ज़माने की है। ये देखिए कलेक्शन एक नंबर है, ये सब ओल्ड कलेक्शन से अब देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ये हमारे पास अभी नया कलेक्शन अवेलेबल हुआ है, ये देखिए सब, ये सिर्फ एक पूरे रूम के अंदर घड़ियों का कलेक्शन है जो पुराने ज़माने में गिफ्ट आई हुई है। 5 रुपये से चालू हो रहा है, ये सुबह 5 बजे शुरू होता है, 6 बजे पर बंद हो जाता है। सबके अपने टाइम है, अपने देश के हिसाब से चलती है। व्यवस्था आप क्या कहना चाहते हो घड़ियों के बारे में? आपका ब्लॉग अधूरा रह जाएगा, कुछ बोलिए, अरे कुछ बोलिए ब्लॉग के अंदर। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए इस घड़ी का हम आपको जूम करो, ये देखिए 1855 कम से कम मेरे 130 साल पहले बंद पड़ गई। अरे माँ 130 साल पहले बंद पड़ गई थी, सेल पूरे हो गई थी।
ये सब 16 में चलती नहीं। आ देख बस हो गया विजिट। अब और अभी किधर जा रहे हैं? पुराने जमाने की कारें देखेंगे जो भी स्टॉक वहाँ पे है, भी नया स्टॉक अवेलेबल हुआ वहाँ पे हमारे पास। यहाँ से आप अभी हम जाएंगे माँ जगत सिंह जी का विंटेज जो कार कलेक्शन है वो जो पुराने वाला जो बिना तेल पे चलता है, केरोसिन पुराने वाले केरोसिन वाली केरोसिन उनका अच्छी गाड़ियों का कलेक्शन है। गाड़ियों और जो घोड़ों के शौकीन थे महाराज जगत सिंह जी। जाने का इधर से ही है सर। अरे कूद के जाना था। कलेक्शन देखने के लिए आ गए। ये देखिए पहला कार का कलेक्शन आरजे क्यू विमान पोर्शे मॉडल है। ये देखिए इसकी पूरी वैल्यू अभी के मार्केट की वैल्यू बहुत कम है। ये ऑन रोड आपको 270 में पड़ेगी। 270 दो करोड़ के 2 लाख 270 करोड़। लोगों ने कहा था ना राजस्थान में जब तक लोगों के पास 350 अच्छा 350। और अभी अगर ये बात करेंगे तो पुराने जमाने में पहले इंडिया में ही हुई है ना बड़ी गाड़ी सेंटर थोड़ी है। दिल खुश हो जाएगा गाड़ियां देख के। अभी के लोग लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ देखो ये सारा का सारा कार कलेक्शन है। ये देखिए मर्सिडीज। अरे भैया दही बड़ा देना एक प्लेट। अभी तो राजस्थान में नया सिस्टम आया है कि आप जैसे ट्रेन में आपको सीट मिलती है वैसे बस के अंदर भी सीट मिलने लग गई है। हमने भी जोधपुर केंद्र जो रेलवे जो क्या केंद्र बस स्टैंड है उसके अंदर से गाड़ी पकड़ी है रोडवेज की राजस्थान। नया सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा हमें। टिकट के साथ में सीट नंबर भी मिल रहे हैं। हमने हमारी सीट ले ली है। ये देखिए हम तीनों लोगों को सीट मिल गई है और सीट पे बैठे कुछ टाइम के लिए खिड़की पे बैठा है बंदा लेकिन फिर ब्लॉगिंग का टाइम होते बीच में आएगा। अभी मेरे को जाना क्योंकि हमको होती है उल्टियाँ बस करके होगी उल्टियाँ। आगे के ब्लॉग पे हमने जो भी देखा एकदम रियल बातें थी कोई झूठा नहीं था उसमें कोई फोटोशॉप या वीडियो शॉप किया हुआ नहीं था। रेवत कैन वही तो बोल यार ब्लॉग कमा ब्लॉग थी। अभी हम यहाँ से जाएंगे पाली एक बाइक की राइड है वो लेंगे वहाँ से बाइक के जो फीचर्स हमको वहाँ पता चलेंगे। बोल पेड़ थी बोल उसके बाद देखेंगे आगे हम बाइक की मसूरा खा जाए देख दो तीन मसूरा खा जाए कचोरी का खाए अपन ने बाइक भी थारी आदत नहीं है तो कौन ब्लॉगिंग कौन एडवेंचर करी की तो नहीं है कि पूरे दिन में नाश्ते पे चले मिर्चीवड़ा खा के हम राजस्थान में मिर्चीवड़ा खा के पूरा दिन निकाल नहीं यार पूरा ब्लॉगिंग करने का नहीं वे अन कभी जी में लोग हॉबी लूंगी थी सामने लगा वो बोले दिए थे बोले कि हम से कम दूर थी चार बॉस लोगों लागू ऐसे करेंगे ना हम हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट करें कि हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है नया चैनल है आवाज नहीं आ रही आपको एक नए चैनल के साथ मिलूंगा। ये चैनल हमारा पुराना हो गया इसको हम बंद कर रहे हैं। ये है हमारे रोडवेज के राजस्थान के चांद रोडवेज जिसमें हम आज सफर कर रहे हैं। लेकिन ये सीटिंग टू सीटिंग एकदम व्यवस्था इतनी बढ़िया जैसे कि हम फ्लाइट और ट्रेनों के गए नहीं एकदम परफेक्ट सर्विस एकदम बहुत बढ़िया लगी है। सीट टू सीट बाइक एक राइड टेस्ट है टेस्ट अच्छा टेस्टिंग के लिए फोन आया है हमारे बाइक के लिए तो आप अपने को पता चलेगा। वो तो आपने हमने ब्लॉग में बताया था उसमें दो तीन बाइक हमने सिलेक्ट की है और फाइनली वैसे वो एडवेंचर उसका अपन टेस्ट ड्राइव लेंगे पाली में। हां तो एडवेंचर बुक करा के फिर बताते हैं कि हमने रियल में कौन सी बाइक ली आपने फोटो में कौन सा देख लिया। आगे और चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये है रोडवेज का मजा चलते हैं और मिलते हैं सीधे पाली में।